हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज महल। मैं रविंदर हॉस्पिटल में मनोरोग विशेषज्ञ हूं। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन बीमारी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिप्रेशन, जिसको हम उदासी भी कहते हैं, उदासी एक तरह का मानसिक विकार है। जब हमें काफ़ी तरह के लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि मन का उदास रहना, चिड़चिड़ाहटपन रहना, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, शरीर में बिना किसी काम के भी बहुत ज़्यादा थकान होना, हमारी याददाश्त जो होती है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, हमारी नींद जो है वो या तो ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती, किसी भी चीज़ में हमें जितना पहले हमारा दिल लगता था वो हम नहीं कर पाते हैं, अगर हम कहीं काम पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा ध्यान नहीं रहता है। इसी वजह से हमें लाइफ को लेके भी काफ़ी तरह के नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। कभी कभी ये नकारात्मक विचार आत्महत्या के विचार जैसे भी हो जाते हैं। देखा गया है कि ये जो बीमारी है ये काफ़ी आम बीमारी है। भारत का अगर हम देखें तो भारत में भी लगभग 5-10% लोगों को यही बीमारी हो रही है। अगर आपको इस तरह की बीमारी हो रही है तो आप हमसे ज़रूर मिलिए रविंदर हॉस्पिटल में। इसके लिए हम काफ़ी तरह के इलाज कर सकते हैं, इसके लिए हम दवाइयाँ दे सकते हैं आपको, काफ़ी तरह की थेरेपीज कर सकते हैं और आप बहुत ही जल्दी इस बीमारी से बेहतर हो सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसी दिक्कत हो रही है या आपके आसपास किसी लोग को ऐसी दिक्कत है तो ज़रूर मिलिए हमसे। शुक्रिया।